दोस्तों इस प्रकार हम इस खाद को थोड़ी थोड़ी मात्रा में सभी फूल देने वाले पौधों में इस तरीके से आपको दूर दूर से डाल देनी है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर गौमूत्र की बनी हुई ठंडी खाद बनाने के लिए जिन जिन प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया है वे बिल्कुल फ्री हैं, तो एक एक करके आइए हम इनके बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर गौमूत्र लिया है, जैसा कि आप इस बाल्टी में देख सकते हो बिल्कुल बढ़िया से, तो ये कम से कम 10-15 दिन पुराना है, क्योंकि गौमूत्र जितना पुराना होता जाता है तो थोड़ा सा विषैलापन उसमें आ जाता है। उसका भी अपना उपयोग है, क्योंकि हम इसको ठंडी खाद के साथ साथ एक कीटनाशक भी बना रहे हैं। तो दोस्तों गौमूत्र में सल्फर, नाइट्रोजन, फॉस्फेट, सोडियम, मैग्नीशियम, लोहा और बहुत सारे खनिज तत्व पाए जाते हैं। दूसरे नंबर पर दोस्तों हमने यहाँ पर गुड़हल के सूखे हुए फूल लिए हैं, जैसा कि आप इस बाल्टी में देख सकते हो। तो दोस्तों क्योंकि हमारे पास गुड़हल के बहुत बड़े पेड़ हैं और बहुत सारे फूल इसमें आए दिन गिरते रहते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये बहुत सारे फूल गिरे रहते हैं और यहाँ काफ़ी पानी भी रहता है और जिससे फिसलने का डर होता है, तो इसलिए हम इनको एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं। तो दोस्तों गुड़हल के फूलों में फाइबर, कैल्शियम, विटामिन सी और बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे पौधों के लिए आवश्यक होते हैं। अगर आप इन फूलों को एक दिन सुखा के मिक्सी में पीस लेंगे तो ये उसी दिन यूज करने लायक हो जाएंगे। तो दोस्तों तीसरे नंबर पर हमने यहाँ पर इनको आप 6-7 फूल ले सकते हैं। इनमें स्कोपोलामाइन और एट्रोपिन नामक जहरीले पदार्थ होते हैं जो कीड़े और दीमकों को मारने में बहुत ही सहायक होंगे। अब हमने दोस्तों यहाँ पर चौथे नंबर में गाय के गोबर की खाद ली है। इसमें बहुत सारे खनिज तत्व पाए जाते हैं, 3 से 4 साल पुरानी है। इसमें चूना, पोटास, गंधक और बहुत सारे पोषक तत्व पौधों के लिए पाए जाते हैं। पांचवें नंबर पर दोस्तों हमने यहाँ पर चाय की पत्ती ली है। चाय की पत्ती में मैग्नीशियम, फास्फोरस और कैल्शियम, इसके अलावा बहुत से पोषक तत्व पाए जाते हैं। अब हमने यहाँ पर केले के सूखे हुए छिलके लिए हैं। आप चाहें तो इनको मिक्सी में ग्राइंड कर सकते हैं, जल्दी यूज करने लायक हो जाएंगे। केले में पोटेशियम, मैग्नीशियम और मैंगनीज बहुत बड़ी मात्रा में आपके पौधे के लिए मिलने वाले हैं। सातवें नंबर पर दोस्तों हमने यहाँ पर लकड़ी की राख का उपयोग किया है। लकड़ी की राख में पोटेशियम, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन और इतने सारे तत्व होते हैं कि जिनको मैं गिना भी नहीं सकता, वे आपके पौधे के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं। लास्ट में दोस्तों आठवां, हमारे पास एक कांटेदार फल है जिसको आप बहुत नज़दीक से देख रहे होंगे, बिल्कुल सूखा है और फटा हुआ है। दोस्तों ये धतूरे का फल है, धतूरा ऐसा ही होता है, जब ये पक जाते हैं तो इनके फल फट जाते हैं। धतूरे के जड़, पौधे, बीज, पत्तियां सभी इतने जहरीले होते हैं कि इनका उपयोग दवाइयों में भी होता है। अगर हम इनको अपनी ठंडी खाद में मिला देते हैं दोस्तों तो ये कीटनाशक और दीमक नाशी का बहुत अच्छा काम करेंगे। तो एक तरफ जहाँ आपके पौधों को पोषक तत्व मिलने वाला है, वहीं ज़मीन को कीटनाशक और दीमक नाशक भी मिल जाएगा, क्योंकि ये सभी चीज़ें प्राकृतिक और बिल्कुल फ्री हैं। आपके घर के आसपास ये चीज़ें मिल जाती हैं, तो हमको इनका उपयोग करना है, पैसे खर्च नहीं करने हैं। तो अब हम सबसे पहले एक बर्तन में ये जो हमने गौमूत्र लिया है ये कम से कम 5 लीटर के लगभग है, तो हमको इसको लेके ऐसे एक बाल्टी में डाल देना है। ये देखिए बिल्कुल पुराना है, एकदम ब्लैक रंग इसमें आ गया है और लाल है एकदम, यूज़ करने के लिए बहुत ही बढ़िया है। तो दूसरे नंबर पर हम केले के छिलके इसमें मिला देंगे। इस तरीके से आपको बहुत सारे छिलके लेने हैं और मिक्सी में ग्राइंड कर लेना है। अगर आप मिक्सी में ग्राइंड कर लोगे तो ये 1 घंटे में यूज करने के लायक बन जाएगा। फिर दोस्तों इसके बाद हम इसमें धतूरे के फूल डाल देंगे, ये भी आपने सुखा के ग्राइंड कर लेने हैं।
अभी मेरे पास इतना समय नहीं है, तो ये एक दिन में तैयार हो जाएगा क्योंकि गौमूत्र बहुत ही पुराना है। फिर दोस्तों अब हम इसमें एक कप राख मिला देंगे। ये हमने राख मिला दी है। अब दोस्तों हम 4 से 5 साल पुराना गाय का गोबर इसमें मिला देंगे इस तरीके से, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। ये हमने इसमें मिला दिया है। और अब दोस्तों हम यहाँ पर धतूरे का फल मिलाने वाले हैं, वे भी हमको इस बाल्टी में ऐसे मिला देना है। गुड़हल के फूल दोस्तों जो कि बहुत ही जल्दी गल जाते हैं, आप इनको भी इसमें ऐसे मिला देंगे। और वैसे आपको अगर ये खाद 1 घंटे के अंदर बनानी है तो सूखे फूलों को आप मिक्सर में पीस के इस तरीके से आपको इसमें मिला लेना है। और अब दोस्तों हम यहाँ पर ये जो हमारे पास सूखी चाय की पत्ती है, हम इसको भी इसमें मिला देंगे इस तरीके से। ये थोड़ा ज़्यादा सूख गई है, चिपक गई है इसके अंदर, और बिल्कुल यूज करने के लिए बहुत ही बढ़िया हो गई है। तो दोस्तों अब हम ये सारी खाद को एक लकड़ी की सहायता से ऐसे मिला लेंगे इन सबको। ये आप देख रहे होंगे जब तक कि ये बढ़िया से मिल नहीं जाते हैं ये, और इसको अब हमको 1 दिन के लिए छोड़ देना है। लेकिन वहीं अगर आप इन सब चीज़ों को ग्राइंड करके डालते हैं, फूल और धतूरे के बीज, केले के छिलके, तो ये खाद आपकी दोस्तों 1 घंटे के अंदर तैयार हो जाती है। तो आपको इस तरीके से इसको मिला लेना है और कोई भारी चीज़ से इसको दबा देना है जिससे ये पानी ऊपर आ जाए गौमूत्र का और ये सारे आइटम नीचे दब जाएं। तो इस तरीके से ये खाद 1 दिन के अंदर से लेके 1 घंटे तक तैयार हो जाएगी। तो इसको यूज करने से पहले हमें इस तरीके से लकड़ी की सहायता से हिला लेना है। अब आपको जितनी खाद की ज़रूरत हो उतनी आपने इस तरीके से एक छलनी से छान लेनी है और बचे हुए वेस्ट को दोबारा से बाल्टी में डाल देना है। तो 4 या 5 कप मैंने इसमें लिया है और अब मैं इसमें 1 लीटर पानी मिला दे रहा हूँ, क्योंकि ये खाद जो है बहुत ही हार्ड है और हमको फीकी बना के डालनी होती है। आज हम इस खाद को थोड़ी थोड़ी मात्रा में सभी फूल देने वाले पौधों में इस तरीके से आपको दूर दूर से डाल देनी है। और आप दूर दूर से ही इसको डालेंगे तो सही रहेगा, खाद को एकदम जड़ पे नहीं डालना चाहिए, तो आपका जो प्लांट है फूलों से और फलों से भर जाएगा। तो आप इसको सब्जी वाले पेड़ों में भी डाल सकते हैं, फूलों में भी डाल सकते हैं और किसी भी क्यारी में भी आप डाल सकते हैं। इससे आपके ज़मीन की उर्वरा शक्ति बढ़ जाएगी और दूसरा जो हमने प्राकृतिक कीटनाशक बनाया है इससे आपकी ज़मीन की उर्वरा शक्ति को नुकसान भी नहीं होगा और कीटों का भी खात्मा हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको घर में ऑर्गेनिक ठंडी खाद बनानी है।